एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पर। और गाइस, मैं आज आपके साथ वांगशुल लेके आई हूँ आर साइलेंट लव लव। तो उसका मैं पहले एक दो चीज़ें बताना चाहती हूँ। बहुत लोगों ने ताइको की डिमांड की है गाइस, तो मैं आपको बता दूँ, जितने भी लोग जीती जाती पर्सनैलिटी हैं, जो जिंदा हैं, जो पर्सनैलिटी हैं, ओरिजिनल वर्ल्ड के लोग हैं, मैं उन पर कोई भी फैन फिक्शन बनाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उनके सोलो फैन हैं उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, हमारी फैन फिक्शन होती है, हम एंटरटेनमेंट के लिए वो चीज़ करें, लेकिन किसी की इमेज उससे ख़राब भी हो सकती है, बेकार भी बन सकती है, और हम उसकी शिपिंग बना रहे हैं कि यार उसने ऑफिशियली थोड़ी स्टेटमेंट दी है कि मेरा वो कपल है या नहीं है, और हमें नहीं पता आज की डेट में किसकी किससे कितनी निभेगी और कितने टाइम तक रहेगी। और दूसरी चीज़, इससे उन बंदों पे मेंटल प्रेशर बनता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे जो के पॉप सिंगर भी हैं, आप उठा के देख लें, वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग मजबूत नहीं होते दिमागी या जहनी तौर पे, और वो लोग नहीं सह पाते मेंटल प्रेशर को। और इसलिए मैं लोगों को अक्सर कहा करती हूँ कि दूसरों को प्रोवोक करना छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, वो इस दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं और वो सुसाइड की तरफ जाते हैं। जैसे कि एक कोई सिंगर था, के पॉप सिंगर था, उसका करियर भी डाउनफॉल जा रहा था, और दूसरी बात, वो उसके फीचर्स ऐसे थे कि लोग बाग उसे कहते थे तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, जबकि उसके ओरिजिनल फीचर्स बहुत अच्छे थे। वो बंदा इतनी सी बात, इतना सा प्रेशर झेल नहीं पाया, क्योंकि लोग बाग ना हर चीज़ में उसे कहते थे तुम तो प्लास्टिक हो, प्लास्टिक हो, प्लास्टिक हो। उसके जहन में इतनी चुभ गई कि उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी को इतने एक्सटेंट तक प्रोवोक मत करो कि वो आपको नहीं पता, आप तो अपने घर में बैठे दो चीज़ें लिखकर एक साइड हो गए ऑनलाइन आज की दुनिया में, लेकिन सामने वाले पे कितनी देर तक इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो कितनी देर तक रो रहा है, या कितना उसे हर्ट हुआ है, या फिर उसका कितना लेवल तक आपने बीपी बढ़ा दिया, आप नहीं जानते। तो प्लीज़ ऐसा कुछ काम मत करो जिससे दूसरे को हर्ट हो। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी, आप इस एक्सटेंट तक मत जाओ कि आप अपनी इंसानियत को ही गिरा दो, या फिर आपका एक मिनट का एंटरटेनमेंट होगा लेकिन दूसरे के लिए आपने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो ऐसा कोई काम मत करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, मतलब कि लाइव पर्सन के आपको फैन फिक्शन सुनना पसंद है, आप फैन फिक्शन रीड कर ले, लेकिन किसी को बोले ना कि आप शेयर करो। आई होप आप मानते होंगे, क्योंकि सोचिए कभी आप फेमस हो जाएं और आपको लेकर आपका लिंकअप जुड़ने लगे, और एक तरह से गॉसिप ही है किसी के बारे में फैन फिक्शन बनाना, हम इमेजिनेशन में उसका किसी से भी लिंकअप कर रहे हैं, और आई गेस ये पर्सनल लेवल पर ठीक नहीं होगा। बाकी आपको जो ठीक लगे आप सब करें। तो चलिए, आज हमारा थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा हो गया, बट ये रियलिटी है। मैंने बहुत सारे सुसाइडल केस लोगों के पढ़े हैं, तो मैं इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो अवेयर रहे चीज़ों को लेके। और चलिए, हम आज का जो है हमारा शुरू करते हैं वांगशुल का जो एपिसोड है। तो व्यूजियन जो होता है ना, वो हमारे लवांगजी के सामने बैठा होता है। लवांगजी को एकदम से फ़ोन आ जाता है, व्यूजियन की बिल्ली वहाँ पर आराम से मिल्क पी रही होती है। पता नहीं उसकी बिल्ली को क्या होता है, बाहर से एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है, और जैसे ही उस कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है, हमारा व्यूजियन थोड़ा सा डर जाता है। वो डर के पैर ऊपर करके अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। यहाँ पर लवांगजी जो है वो आराम से बात कर रहा था, तो जो व्यूजियन होता है ना, फिर से उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आता है, और वो कुछ बोल तो नहीं सकता था। वो एकदम से लवांगजी को देखता है, और उसे ऐसा लगता है जैसे जो बाहर डॉगी भौंक रहा है वो एकदम से उसे आगे चिपट जाएगा और उसे खा जाएगा। वो एकदम से, उसे पता नहीं क्या होता है, वो ज़ोर से लवांगजी के पास जाता है, और लवांगजी के ऊपर एक बंदर की तरह चिपक जाता है। जैसे ही वो लवांगजी की बॉडी को हक कर लेता है अपर बॉडी पे, और एक बंदर की तरह चिपक जाता है, तब उसकी बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करके उसे देखती रहती है। लवांगजी भी हैरान होता है, जो कि एक फ़ोन पे था, कि अचानक से उसको एक बंदर की तरह आके कौन चिपट गया है। उसकी चेस्ट पे व्यूजियन का सिर था, जो कि उसकी चेस्ट पे बिल्कुल गड़ा हुआ था, मतलब व्यूजियन अपना चेहरा छुपा रहा था, जैसे कोई डॉगी उसे काट ही जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा व्यूजियन था, वो उसकी वेस्ट पे ऐसे अपनी दोनों टांगों को बिल्कुल हक किए हुए था, और वांगजी की नेक पे बिल्कुल बहुत बुरी तरह से हक किए हुए था। वांगजी फ़ोन को, जिससे भी वो बात कर रहा था, कहता है कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, वो कोई इंपॉर्टेंट कॉल ही थी, लेकिन वो विंग को देख के डर जाता है और वो उस कॉल को काट देता है। और सामने वाले की भी हिम्मत नहीं होती कि इतने बड़े गैंगस्टर से वो कैसे बोल दे कि आपने फ़ोन कैसे काट दिया,
क्योंकि सबकी कहीं ना कहीं वांगचे के सामने खिसक जाती थी, फट जाती थी। तो यहाँ पर वो विंग को शांत करता है और कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, डॉगी। तो ये मतलब वो इशारों में बताता है डॉगी, लेकिन वांगचे को ये चीज़ समझ नहीं आती। वांगची मन में सोचता है, पता नहीं ये क्या कह रहा है, और अभी तो मैंने पूरी साइन लैंग्वेज सीखी भी नहीं। तो वो विंग फिर से अपना चेहरा छुपा लेता है और उससे इतना डर लगता है कि वो वांगची की शोल्डर को टाइटली पकड़ लेता है और उसमें अपने नाखून बिल्कुल गाड़ देता है। जैसे जैसे उस कुत्ते के भौंकने की आवाज़ तेज़ होती है और ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ता घर में ही आ रहा हो, तभी वांगची एकदम से चिल्लाता है और कहता है, इस डॉगी को बाहर ले जाओ। वांगची समझ गया था कि विंग कहीं ना कहीं इस डॉगी से डर रहा है और वो विंग को सहलाते हुए अपने रूम में ले जाता है और विंग को वो ऐसे का ऐसा बेड पर रख देता है। लेकिन विंग बेड पर बैठने से रहा, विंग उसी ही चिपटा रहता है। वांगजी एक जगह बैठता है और विंग उसे हक करके उसके बिल्कुल वेस्ट पे अपनी दोनों टांगों को फोल्ड करके और उसकी नेक में अपना सर बरी करके वहाँ पर बैठा रहता है बिल्कुल सेम पोज में। और वांगजी अपनी आंखों को ब्लिंक करके सिर्फ विंग को देखता रह जाता है कि विंग ये क्या कर रहा है। विंग को भी, जैसे अब कोई सुदबुद्धि नहीं थी, उसे सच में बहुत डर लग रहा था डॉगी के जाने से। थोड़ी देर बाद जब वांगजी का सेंट उसकी नाक में जाता है और उसे वांगजी के सेंट की, वो प्यारा सा चंदन का जो सेंट होता है, उसकी खुशबू उसकी नाक में जाती है, तो वो कहीं ना कहीं रिलैक्स फील करता है और वो वांगजी पे से अपनी ग्रिप हटाता है। उसने वांगजी को इतनी तेज से जगड़ लिया था कि वांगजी के जैसे मानो खून ही निकल जाएगा। उसके पूरे नाखून वांगजी के जो शोल्डर थे उसमें गड़े हुए थे और वांगजी कहता है, विंग कुछ नहीं हुआ, मैंने डॉगी को यहाँ से दूर भेज दिया है, क्या तुम डॉगी से डरते हो? विंग धीरे से अपना सिर हिलाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो वांगजी को इस तरह से ज़ोर से पकड़ेगा तो वांगजी को कहीं ना कहीं चोट आ जाएगी। विंग एकदम से उसके शोल्डर से अपने हाथ हटाता है और वो वांगजी को बहुत ही इनोसेंट नज़रों से देखने लगता है। वांगजी कहता है, क्या हुआ, तुम घबरा क्यों गए थे? विंग की आंखें ऐसे लग रहा था जैसे मानो रो ही पड़ेंगी, जैसे मानो अभी सूझ ही रही हूँ, बिल्कुल लाल हो गई थी। वांगजी कहता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ और मैंने उस डॉगी को बाहर भेज दिया है। विंग बहुत इनोसेंटली उसे देखता है, फिर वो अपने कानों पे अपने हाथ ले जाता है और उससे सॉरी बोलता है, क्योंकि उसे पता था उसने वांगजी को कहीं ना कहीं काफ़ी बुरी तरह से नोच दिया था। वांगजी उसके सिर पे ऐसे बालों पे हाथ फहराता है और कहता है, कोई बात नहीं। लेकिन वो वांगजी की गोद से अभी भी नहीं उठ रहा था और यहाँ वांगजी थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा था। वांगजी को पता था उसकी गोद में एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा बैठा है जिसका सेंट ओमेगा सेंट था और कहीं ना कहीं वांगजी को थोड़ा सा ट्रिगर करने लगा था। वांगजी जो है वो विंग की तरफ आंखें घुमाता है, विंग को भी वांगजी जो कि इस वक्त थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था, उसका जो बॉडी पार्ट होता है लोअर बॉडी पार्ट, उसके लोअर बॉडी पार्ट से टच होता है और विंग अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, वो एकदम से घबरा जाता है। तभी वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग अब कुछ बोल तो नहीं सकता था कि उसे क्या चीज़ टच हो रही है, लेकिन वो समझ सकता था कि ये क्या है, क्योंकि वो भी एक बॉय ही था आखिर। और विंग का गाल जो है वो एकदम से लाल होने लगते हैं। वांगजी को लगता है जैसे विंग बीमार है, उसके गालों को चीक्स को छेड़ने लगता है। विंग ब्लश कर रहा था लेकिन वांगजी को लगता है शायद विंग की बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो विंग से पूछता है, विंग क्या हुआ? विंग जो है वो ब्लश करते हुए कुछ नहीं बोलता और कहता है, मुझे जाना है। वांगजी कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? विंग जो है वो पपी आई से उसे देखता है घूर के, क्योंकि इस वक्त ठीक तो उसे वांगजी नहीं लग रहा था जिस हिसाब से वांगजी की बॉडी पार्ट रिएक्ट कर रही थी। विंग उसे घूर के देखता है और कुछ नहीं बोलता। फिर वो हंसता है और उसकी प्यारी सी मुस्कान देख के वांगजी जो है वो समझ नहीं पाता कि विंग क्या कर रहा है, लेकिन फिर उसे थोड़ी सी देर बाद समझ आता है कि ओ शिट, ये तो कुछ गड़बड़ ही होगी। मतलब उसने ऐसा कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में वो बैठ जाएंगे। तो वो एकदम से घबरा कर वो अपनी पोजीशन को स्विच कर देता है और इस वक्त यह होता है कि जैसे ही वो विंग और अपनी पोजीशन को स्विच करता है, विंग नीचे होता है और वांगजी बेड पे उसके ऊपर हो जाता है। ये देखने के बाद विंग की आंखें और ज़्यादा फट जाती हैं और वांगजी और विंग जो हैं उन दोनों की नाकें एक दूसरे के नाक से टच हो जाती हैं और वांगजी जैसे ही विंग की तरफ देखता है तो ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को किस ही कर देंगे और दोनों की आंखें एकदम फट के एकदम बड़ी सी हो जाती हैं, दोनों एक दूसरे को खोते रह जाते हैं। लेकिन विंग जो है वो स्माइल करता है और वो वांगजी को ऐसे डरा हुआ देखता है जिसके माथे पे से पसीना छूट रहा था। यहाँ पर डरना तो ओमेगा विंग को चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जब वो अपने
अल्फा लवांगजी दोस्त को ऐसे डरते हुए देखता है तो वो उसके माथे पे से पसीना पोंछने लगता है। ये कैशर देख के वांगजी को जैसे ऐसा लग रहा था कि शायद विंग को फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि विंग शायद कंफर्टेबल है वांगजी के साथ। तो वांगजी को पता नहीं क्या सोचता है कि वो एकदम से विंग के लिप्स पे किस कर देता है, और विंग को समझ नहीं आता वांगजी ने ये क्या कर दिया। वो जैसे ही वांगजी को पुश करने की कोशिश करता है, लवांगजी उसके हाथों को पकड़ता है और दोनों हाथों को बेड पे रख देता है, और वो विंग को ना जाने कितनी बुरी तरह से और बिल्कुल ऐसे किस कर रहा होता है। वांगजी को कुछ नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। विंग के जो ओमेगा स्मेल थी ना वो उसे ट्रिगर करने लगती है, और वो वांगजी जो है वो विंग को पैशनेटली बहुत ही रोमांटिकली किस करने लगता है। और जैसे ही उन दोनों की थोड़ी देर की किस होकर हटती है तो वांगजी सिर्फ विंग को देख रहा होता है, विंग भी वांगजी को देखता है 2 मिनट के लिए, और वो उसे खींच खींच चांटा मार देता है। वांगजी एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हुआ, उसे थप्पड़ लग गया, लेकिन शायद विंग ही तो था जो उनके इतने नज़दीक आने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा था। क्या विंग किस नहीं चाहता था, वांगजी से पूछता है, क्या तुम मुझसे किस नहीं चाहते थे। विंग गुस्से में उसे घूर के देखता है तो वांगजी समझ जाता है कि विंग किस के लिए ऐसा कोई भी उत्तेजित नहीं था। वांगजी ने चीज़ को या सिचुएशन को मिस इंटरप्रेट कर लिया था, और वो एकदम से विंग के सामने ही वो एकदम से अलग होता है और घुटनों पर बैठ के बो करके उसे माफ़ी मांगने लगता है। विंग अभी जो वांगजी उसे एकदम शेर की तरह दबोचे हुए था, जैसे उसके पास कोई खरगोश आ गया और शेर उसे दबोच के बैठा है, और अब एकदम से भीगी बिल्ली की तरह वो घुटनों पर बैठ के उससे माफ़ी मांग रहा है। विंग सिर्फ वांगजी को देखता रह जाता है, और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा नखरे करता हुआ पाउड बनाता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो वांगजी कहता है, सच में मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मुझे गलत फहमी हो गई, मुझे लगा शायद तुम किस करना चाहते हो सच में, और जब हम इतने पास आ गए थे, तुम्हारी और मेरी नाक इतने पास आ गई थी। वो विंग के फिर से करीब आता है, लेकिन विंग अपने लिप्स पे फटाफट से हाथ रख लेता है। तो वांगजी कहता है, मैं किस नहीं कर रहा, आई प्रोमिस, कसम से, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि जब तुम्हारी और मेरी ये जो नाक है, वो दोनों की नाक को टच करके बताता है कि जब टच हुई थी तो तुमने कोई रिएक्ट नहीं किया, तुमने चेहरा भी नहीं हटाया था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम किसके लिए रेडी हो, बल्कि तुम तो मेरे माथे पर से पसीना पोंछ रहे थे, तो मुझे लगा शायद तुम कंफर्टेबल हो, इसलिए गलती से मुझे गलत फहमी हो गई और मैंने तुम्हें किस कर दिया। विंग जो है वो उसे कहता है कि इशारों में तुम मेरे लवर नहीं हो, दूसरी चीज़ तुम मेरे अल्फा भी नहीं हो, और तीसरी चीज़ मेरे घर वालों ने मुझे किसकी परमिशन नहीं दी। लवांगजी एकदम से हंस पड़ता है और कहता है, किसके घर वाले किसकी परमिशन देते हैं। तो विंग उसे घूर के देखता है और कहता है, मेरे, क्योंकि मैं बहुत फ्रजाइल हूँ ना, तो जब तक अंकल जियांग मुझे परमिशन नहीं देंगे मैं ऐसा कोई भी हरकत नहीं करने वाला, और शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। तो वांगजी हंसता है और कहता है, मतलब किसके लिए, अगर मुझे किसी को किस करनी होगी तो मुझे उसके अंकल या उसके पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, और अगर तुम्हारे अंकल जियांग मुझे परमिशन दे देते हैं और तुम्हारा मन हो ना हो, मैं तुम्हें कितनी भी किस कर सकता हूँ। विंग वांगजी के इस टीजिंग वाले क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं इरिटेट होता है और कहता है, चुप करो, मजाक मत करो, और वो फिर से मुंह बनाता है। वांगजी उसके पास आता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं बस ऐसे ही तुम्हें टीज कर रहा था। अच्छा सुनो ना, वो विंग को एकदम से गुदगुदी करने लगता है। विंग गुदगुदी करते हुए एकदम से हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में कोई भी आवाज़ नहीं थी, तो वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। वांगजी बिल्कुल विंग के पीछे आ जाता है और उसकी कमर पे गुदगुदी कर रहा होता है, तभी विंग उसकी गोदी में लेट जाता है। जैसे ही विंग उसकी गोदी में लेटता है तो वांगजी और विंग के चेहरा फिर से आमने सामने होते हैं और वो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तभी वहाँ पर आवाज़ आती है, ब्रदर ब्रदर आप कहाँ हैं ब्रदर। तभी वहाँ पर लेन शिजुई आता है, वो वांगजी और विंग को ऐसे रोमांटिक पोज में देख लेता है और वो एकदम से चिल्लाता है, ब्रदर ये क्या कर रहे हैं आप। तो विंग शिजुई को देख के उसे हेलो बोलता है। वांगजी भी कहता है, तुम आज घर जल्दी आ गए। तो शिजुई कहता है, ब्रदर मुझे आपसे कुछ काम था। और विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग उसे इशारों में बताता है कि मैं यहाँ पर बिजनेस की बात करने आया था। तो ये सुनकर जो हमारा प्यारा सा शिजुई होता है वो हंसता है और कहता है, बिजनेस, किस चीज़ का बिजनेस, तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो, क्या तुम भी भैया की तरह गुंडे बनोगे। वांगजी जो है शिजुई को देख के कहते हैं, ए युआन। तो वो कहते हैं, आई मीन मतलब गैंगस्टर।
तो विंग जो है वो हाथों से इशारा करता है, नहीं 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 मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं करने आया। फिर वो इशारे करके बताता है कि मैं ऐसे ऐसे अपनी पेंटिंग्स को सेल करना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ अर्न कर सकूँ और मैं और मेरी कैट जो है वो अपने लिए खुद कमा सकें। लेन शुजी कहता है, अरे तुम्हारी पेंटिंग तो वैसे भी बहुत अच्छी है और अगर तुम्हें कुछ बेचना है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तभी वांग जी जो है वो कहता है, नो नीड, मैंने इसकी एग्जीबिशन की तैयारी कर ली है। तो लेन शुजी कहता है, हाँ ये बिजनेस भी आपने फटाफट से एक्वायर कर लिया, भैया आप कितने ग्रीडी हो ब्रदर, आपको जब देखो पैसों की चाहिए होती है। विंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे ब्रदर जो है ना वो बहुत मनी माइंडेड है, बच के रहना इससे। विंग जो है वो प्यार से हंसने लगता है, गिगल करने लगता है। तभी लेन शुजी कहता है, ब्रदर के रूम में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है, तुम्हारा जो दोस्त है ना ये डॉगी से डरता है, डरपोक कहीं का, जो बाहर मैंने डॉगी मंगवाए थे ना, मतलब उसने कुछ डॉगीज को बुलाया होता है, उन्हें घर में से कुछ चीज़ें ढूंढवानी होती हैं, कोई चीज़ मिसिंग थी तो उसने डॉग को बुलाया होता है जो सूंघकर बता देंगे कि कहाँ वो चीज़ गिरी होगी। तो इसलिए वो बताता है कि उन डॉगीज़ को जब मैंने बुलाया था तो ये कितना डर गया था। तो इनोसेंटली हमारा विंग बताता है शिजुई को कि मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे ब्रदर को हग कर लिया था, लेकिन तुम्हारा ब्रदर इतना पावर्ड है कि उसने मुझे, फिर वो कुछ नहीं बोल पाता कि वो कैसे बोले लेन शुजी को कि तुम्हारे ब्रदर ने मुझे किस कर दिया है, वो भी लिप्स पे। लेकिन उसके जो स्वोलन लिप्स होते हैं ना, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोई इंसान किसी को किस करता है तो उसके लिप्स सूज जाते हैं क्योंकि हमारे लिप्स को किस की आदत नहीं होती, बहुत सॉफ्ट से और बहुत क्यूट से हमारे लिप्स होते हैं, तो जब फर्स्ट किस होती है तो बंदे के थोड़े लिप्स सूज जाते हैं और जो सूजन उसके लिप्स पे देखता है तो वो पूछता है, तुम्हारे होंठ पे क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं, वो मैं गिर गया था। वो इशारों में बताता है लेकिन उसे बहुत शर्म आ रही होती है कि वो क्या बोले, और ये बात सुनकर लवांग जी भी उनके इशारे समझता था और लवांग जी की भी हंसी आ जाती है कि लेन शुजी उससे किस बारे में पूछ रहा है। ऑफकोर्स उन्होंने किस की है, उसका मन तो था वो चिल्ला के अपने ब्रदर को कहे कि मैंने इस ओमेगा को किस की है, मेरी फर्स्ट किस इसने चुरा ली, या फिर मैं कहूँ इसकी फर्स्ट किस मैंने चुरा ली। लेकिन वो ऐसा बोल नहीं सकता था क्योंकि वो एक बड़ा ब्रदर था, रिस्पॉन्सिबल था, सेंसिबल था, और वो अपने छोटे ब्रदर के सामने कैसे बोल सकता था कि मैंने एक ओमेगा की किस चुरा ली है। बेचारा वांग जी चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता, विंग भी कुछ नहीं बोलता। तभी वो वांग जी को कहता है, ब्रदर विंग यहाँ आया है, विंग के लिए मैं चाहता हूँ आप कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाएं। वांग जी कहता है, मैं क्यों खाने के लिए बनाऊं? तो वो कहता है, ब्रदर आप सबसे टेस्टी खाना बनाते हैं, इवन आप हुआन ब्रदर यानी कि लेन शिचेन से भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, प्लीज़ कुछ तो बनाइए ना, विंग आया है हमारे घर में और आपने इसके साथ डील भी कर ली है, तो इस खुशी में ही सही कुछ तो बना दीजिए खाने के लिए। और मुझे पता है मेरे ब्रदर इस पूरी सदी के सबसे ग्रेट 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 शेफ़ हैं। वांग जी जो है वो अपनी तारीफ सुन के उसका मन करता है कि क्यों ना वो विंग को भी थोड़ा सा अपने खाने के स्किल्स को शो ऑफ करे, और वांग जी जो है वो उस चीज़ को मान जाता है। वह विंग से पूछता है, क्या तुम ब्लूबेरी चीज़ केक खाना पसंद करोगे? तो विंग एकदम से सिर हिला देता है क्योंकि उसे चीज़ बहुत पसंद थी, स्पेशली जब ब्लूबेरी फ्लेवर के साथ उसे बनाया जाता है और ब्लैक करंट डाल के, तो उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो वो इशारे में बताता है कि उसमें थोड़ी सी ब्लैक करंट भी डाल देना। तो शिजुई जो है वो अपने ब्रदर को बोलता है और वांग जी जो है वो नोट करता है और किचन में खाना बनाने के लिए यानी कि उनके लिए पेस्ट्री बनाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर शिजुई विंग से कहता है, तुम डॉगी से डरना छोड़ दो, हमारे घर में तो ना जाने कितने डॉगी घूमते हैं। तो विंग इशारों में कहता है, अगर यहाँ डॉगी हैं तो मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। तो शिजुई हंसता है और कहता है, नहीं नहीं वो तो ब्रदर कभी कभी किसी काम के तहत मंगवाते हैं, पर तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ आ सकते हो। विंग जो है वो सिर हिलाता है। तभी उनकी कैट जो है वो एकदम से बाहर घूमती है और किचन में से कुछ टूट फूटने की आवाज़ आती है। तभी वांग जी जो है वो कहता है, यी मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुम इधर घूमोगी तो। तभी विंग समझ आता है कि उसकी जो कैट है ना वो वांग जी को तंग कर रही है। वो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि वांग जी के पूरे मुंह पे आटा लबा हुआ था क्योंकि जो उसकी कैट थी उसने शैतानी की, जिसकी वजह से वांग जी फिसल के गिर गया और उसके पूरे ऊपर आटे का जो है पूरा का पूरा जो है कटोरा गिर गया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही भूत जैसा दिख रहा था। तभी उसे देखने के बाद लेन शुजुई और हमारे जो वी विशन है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं,
जिसे देखने के बाद जो है ना वांगची को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे हंसने की। तो लेन सुजू कहता है ब्रदर आप भूत से किसी कम नहीं लग रहे। तो जो हमारा प्यारा सा लवांगची होता है वो कहता है शट अप ये इस विंग की ना इस बिल्ली की करतूते हैं, मैं सच में मैं बिल्कुल नहीं चाहता था और इसने यहाँ पर देखो ना कितना सादा गंद मचा दिया। अब भूल जाओ तुम अपनी ब्लूबेरी जो पेस्ट्री है और तुम्हारी बिल्ली ने मेरी पूरी किचन का मेस कर दिया है। वो फटाफट से वहाँ पर सर्वेंट्स को बुलाता है, वो भी वांगजी को देख के हंस रहे होते हैं लेकिन वांगजी उन्हें काम करने के लिए कहता है और वो सारे के सारे अपने सिर में हामी में मिलाते हुए काम पे लग जाते हैं लेकिन उन्हें बहुत हंसी आ रही होती है हमारे लवांगजी को देख के। लवांगजी जो है वो नहाने के लिए जाता है लेकिन फिर से बिल्ली जो है उनके बीच में आ जाती है। बिल्ली की वजह से वो गिरते गिरते बचता है लेकिन वो एकदम से उसे फिर से धक्का लगता है और वो विंग के ऊपर गिर जाता है। उसके ऊपर जितना भी आटा था वो विंग के कपड़ों पर भी लग जाता है और वांगजी विंग को सिर्फ देखता रह जाता है और पीछे से बिल्ली भाग जाती है। विंग का सिर जो है वो दीवार पे ना लगे, सॉरी फ्लोर पे ना लगे, तो वांगजी ने पहले ही उसके सिर के नीचे हाथ रख लिया था और वांगजी की वजह से विंग के भी जो कपड़े हैं वो बुरी तरह से गंदे हो जाते हैं। वांगजी और विंग एक दूसरे को इसी पोजीशन में गिरे हुए, वांगजी जो है विंग के ऊपर है, सिर्फ एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। चलिए आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि इनकी नज़दीकियाँ कैसी जा रही हैं और इन दोनों के बीच में क्या होगा। फर्स्ट किस्त तो वांगजी ने चुरा ही ली हमारे विंग की। आने वाले टाइम में देखना होगा कि विंग को कौन ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि उसे लेन शिजी काफ़ी क्यूट लगता है लेकिन वांगजी से उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी फटती है। देखने में मज़ा आएगा आने वाले टाइम में। चलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू वेरी मच, बाय।